महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नगर निगम सभागार में किशोर न्याय अधिनियम पॉक्सो एक्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाइल्डलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी शामिल हुए। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य कार्य बाल मैत्री वातावरण, बच्चों को समुचित न्याय सुनिश्चित करना और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। बच्चों को बाल यौन शोषण के बारे में जागरूक कर सकते हैं, साथ ही बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों और उन्मूलन के लिए भी सभी नागरिकों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अल्द्वान दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रोफेसर कार्यालय ने यहाँ पे बच्चों के समक्ष एक वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें कि हमने बच्चों के बचपन में स्थितियाँ क्या थी, वो बचपन में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से स्वतंत्रता से रहते थे, उसके समक्ष में हमने समझाया गया है। ये जो वर्कशॉप है, ये भारत सरकार द्वारा एक्ट बनाया गया है, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट। तो उसमें जो भी हमारे हितधारक होते हैं, पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सारे जो हमारे हितधारक हैं, वो कैसे साथ में मिलके जो हमारे बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए कैसे एकजुट होकर मिलकर कार्य कर सकते हैं उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे मिशन वात्सल्य में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। बेसिकली इसका मकसद जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बताना है और साथ में ही पॉक्सो से संबंधित जानकारियां भी देनी है। बच्चों को किस ढंग से ट्रीट किया जाए, उनको उनके लिए क्या कानूनी प्राविधान है, बच्चे जब इस ढंग से पीड़ित होते हैं तो उसमें उनको साइकोलॉजिकली कैसे डील किया जाए।